हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग GTU की तरफ से आई हुई एक नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन जो है रिगार्डिंग ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन सिलेक्शन, कि बच्चों यदि आप जो है GTU के द्वारा जो शुरू हो रही है एग्ज़ाम 2 जुलाई और 3 जुलाई से, उसमें आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरी भी आपके लिए व्यवस्था की गई है। तो क्या लिखा गया देखो दोस्तों, यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2/7/2020 और 3/7/2020। द स्टूडेंट विलिंग टू अपियर इन दिस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर कैन अपियर इन दिस एग्ज़ाम। यदि आपकी इच्छा हो तो ही आप जो है इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, अदरवाइज़ the student who are not willing to appear in this exam if they have not opted for online descriptive type examination can appear in the other offline examination which is conducted by the university when the situation is normal। तो बच्चों ये GTU की तरफ से आया हुआ एक नोटिफिकेशन है कि जो 2 जुलाई और 3 जुलाई से शुरू हो रही एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हो, अदरवाइज़ GTU के द्वारा जब सभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उसके द्वारा एक जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, तो भी आप जो है उस समय एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टूडेंट विल हैव दियर चॉइस फ्रॉम द विलो मेंशन ऑप्शन फ्रॉम 25 to 26। तो 25 जुलाई और 26 जुलाई ये दो डेट के बीच में आप जो है अपने स्टूडेंट पोर्टल पर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एग्ज़ाम अभी देना है या फिर एग्ज़ाम जो है सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब देना है, किस तरीके से आपकी इच्छा है एग्ज़ाम देने की। ठीक है, तो ऑप्शन वन में बच्चों ये लिखा गया है कि वेदर द स्टूडेंट वॉन्ट टू अपियर एग्जामिनेशन विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2/7/2020 और 3/7/2020 देन दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन। दूसरा ऑप्शन ये सिलेक्ट कर सकते हो कि अभी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब आप जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम दोगे। तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए, जल्दी से आप जो है उसके अंदर से चॉइस कर सकते हो। यदि आप जो है इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है पहला ऑप्शन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा, मतलब 2 जुलाई से होने वाली एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा यदि आप जो है ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो। तो बेटर है कि यदि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर आके एग्ज़ाम अभी नहीं देना चाहते हो तो जो है ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लीजिए, और जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब GTU जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट करवाएगी। और ये सेकेंड ऑप्शन के लिए भी आप जो है एक रेगुलर स्टूडेंट की तरीके से ही गिने जाओगे। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट एग्जामिनेशन विल नॉट हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। यदि बच्चों आपने यदि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप सिलेक्शन किया हुआ है तो आप जो है किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन उसी बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम की सिलेक्शन करने की प्रोसेस, ऑफलाइन एग्ज़ाम वाला जो है मोड सिलेक्ट किया होगा तो ही वो जो है दूसरा ऑफलाइन एग्ज़ाम में सिलेक्ट